नमस्कार, मैं अशोक व्यास। सहसू पहली दूरदर्शन रा सगड़ा दर्शकों ने दीपावली री घनी घनी शुभकामनावां। और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली रा मौका माथे देश री सरहद माथे डटे जवाना रे बीच दीपावली रो त्यौहार मना रिया है। इन बार भी प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश रा लेपचा खेतर माय पुग्या और जवाना रे सागे दीपावली मनाई। वणा जवाना सु बातचीत करी और वणा ने शुभकामनावां दीनी। दीपावली रो पर्व आज बड़ी धूमधाम सु मनायो जा रियो है। लोग घरा और आपरा प्रतिष्ठान माय महालक्ष्मी री आराधना करेला सिंजा रोशनी और दिया सु घरा ने सजायो जावेलो। सुवारे से भी लोग एक दूजा ने दीपावली री शुभकामनावां देता नजर आया। दीपावली माते महालक्ष्मी रो पूजन करियो जावे है। इन माए पूजारा मुहूर्त रो घणो महत्व है। इन दिवाली माते लक्ष्मी जी री पूजन किन टेम माते करनो शुभ है, आ जानकारी दे रिया है पंडित दामोदर प्रसाद जी शर्मा। दीपावली का पर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या प्रदोषकालीन जिस दिन होती है उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार दीपावली का पर्व चतुर्दशी युक्त अमावस्या के दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि अमावस्या रविवार 12 नवंबर को दोपहर बाद में 2:45 से शुरू होकर पूरी रात अमावस्या रहेगी और प्रदोषकालीन अमावस्या इसी दिन मिलने के कारण दीपोत्सव का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही वृषभ लग्न इसका सर्वश्रेष्ठ काल रहता है। इस बार जो गृहस्थियों के लिए जो दीपोत्सव का पूजा लक्ष्मी पूजन का समय सायंकाल शाम को 5:34 से शुरू होकर रात 8:13 तक प्रदोष काल रहेगा। इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही रात्रि में वृष लगन भी शाम को आ रहा है, वो शाम को 5:50 से रात 7:47 तक रहेगा। इसमें भी लक्ष्मी पूजन की जा सकती है। रात्रि में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान जो मध्य रात्रि में सिंह लगन में पूजा करते हैं वो रात 12:20 से 2:36 का टाइम रहेगा। ये भी सिंह लगन सर्वश्रेष्ठ काल व्यापारियों के लिए और गृहस्थियों के लिए माना गया है। साथ ही जो दिन में पूजा करने वाले हैं वो मीन लगन दुष्भाव में भी अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, जो दोपहर बाद 2:46 से शुरू होकर शाम 4:13 पर रहेगा। इसमें भी व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले मुहूर्त कर अपना लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। भगवान राम री नगरी अयोध्या सु लाई गई पवित्र राम ज्योति जगतपुरारा श्री कृष्ण बलराम मंदिर माए पूगी। मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास और दूजा कृष्ण भक्त रथ री आरती करी। राम ज्योति रामराज्य चैरिटेबल ट्रस्ट का निशु जाएगी है। इन मौका माथे कृष्ण बलराम मंदिर माए 2,100 दिया सु राम ज्योति री आरती उतारेगी। हरे कृष्ण महामंत्र रो जाप कर हरि नाम संकीर्तन कर भक्त राम ज्योति रो स्वागत करा। भारतीय त्यौहार आस्था और परंपरा रसागे मनाया जावे है। देश रा हरेक हल्का माए कई अड़ी परंपरावां हैं जबकि दूजी ठोर नहीं होवे है। नागौरा डीडवाणा माए भी दीपावली से जुड़ी एक ऐड़ी ही परंपरा बरसा सु कायम है। देखा एक रपट। रंगोली बनाती इन महिलाओं और युवतियों को देखकर आप यही समझ रहे होंगे कि यह अपने घर को दीपावली के मौके पर सजा रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह नज़ारा है डीडवाना जिला मुख्यालय का, जहां दीपावली की पूर्व संध्या पर यह सभी महिलाएं और युवतियां अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली उकेर रही हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मांडना कहा जाता है। यह हिस्सा है उस परंपरा का जो कि डीडवाना में पिछले सैकड़ों साल से जारी है। खास बात यह है
कि दिवाली के एक दिन पहले महिलाओं का बाजार में आकर रंगोली बनाना पूरे भारत में सिर्फ डीडवाना और डीडवाना के प्रवासी जहां जहां रहते हैं वहीं देखने को मिलता है। ये परंपरा डीडवाना के प्रवासी जहां जहां बहुसंख्यक हैं वहां वहां सभी जगह, जैसे इंदौर में डीडवाना होली है, कलकत्ता में है, एक दो जगह और भी है जहां डीडवाना के प्रवासी लोग बहुतायत में है, वहां वहां ये परंपरा। ये परंपरा डीडवाना में ही है, केवल जो छोटी दिवाली के दिन हम लोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे आते अपने अपने और सारी महिलाएं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर दुकानों के बाहर मारने बनाती है। सभी महिलाएं सज धज कर मार्केट में आती है, मार्केट की एक अलग ही रौनक रहती है। माना जाता है कि महिलाएं जब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती हैं, इससे व्यापार में समृद्धि आती है। महिलाएं पूरी लगन से रंगोली बनाती हैं, फिर उन्हें घर की बड़ी महिलाएं शगुन देती हैं। महिलाओं के मुताबिक ऐसी परंपरा उन्हें पहली बार उनकी सास से मालूम होती है और जब भी दिवाली करीब होती है तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती हैं। साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी के जरिए व्यापार में समृद्धि लाने के लिए खास रंगोली बनाई जाती है। हमारे यहाँ ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और जब से हम शादियों के आए हैं तब से हम भी निभा रहे हैं। जैसे हमारी सास आती थी, उनकी सास भी आती थी, उन्हीं को देख के हम भी ये परंपरा निभा रहे हैं और ये मांडनों का प्रोग्राम होता है तो हम हर साल दीपावली के पहले दिन ये परंपरा निभाने को आते हैं। माना ये भी जाता है कि पुराने दौर में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई। उस दौर में जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था तब डीडवाना की इस अनोखी परंपरा को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहल भी कहा जाता है। डीडवाना की महिलाएं इस परंपरा से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। ये दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है। प्रारंभ इसका जो हुआ वो महिलाओं के मार्केट में आने की परंपरा से हुआ। अब चूंकि बहुसंख्यक मात्रा में या बहुसंख्यक बनकर के महिलाएं मार्केट में आती है तो निश्चित रूप से उसको महिला सशक्तिकरण का एक रूप माना जा सकता है। महिलाओं में एक दूसरे की बनाई रंगोली से प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है क्योंकि डीडवाना की नगर परिषद सबसे खूबसूरत रंगोली बनाने वाली महिलाओं को पुरस्कार भी देती है। साथ ही पूरा शहर भी रंगोलियों को देखने बाजार में उमड़ पड़ता है। हनुमानगढ़ में दीपावली ने लेर लोगों में घणो उत्साह नजर आयो। नेरी नेरी ठोरा माते लागी पटाखा री अस्थाई दुकाना माते घणी भीड़ नजर आई। भीड़भाड़ ने लेर पीली बंगारा उपखंड अहलकार संजना जोशी व्यवस्था वालों जायजो लीनो बनारस आगे जोधपुर डिस्काम अधीक्षक अभियंता के कस्बा भी मौजूद रिया। दिवाली पर्व के मद्देनजर की गई रख रखाव के जो कार्यवाही है सहायक अभियंता पीली बंगा और उनके स्टाफ द्वारा, उसके अवलोकन के लिए आज मैं और अधिशासी अभियंता यहाँ पे आए हैं और उसका निरीक्षण करके जहाँ कहीं भी कोई छोटी मोटी कमियाँ हैं तो आज के ही दिन दिवाली के एक दिन पूर्व ही उनको दुरुस्त कर लिया जाए, इसलिए उनको निर्देशित करने के हिसाब से आज ये दौरा किया गया है और उसमें समीक्षा की गई। 25 नवंबर ने राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव खातर निर्वाचन महकमो 1,42,221 सरकारी कर्मचारी मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट जारी कराया है। पोस्टल बैलेट निर्वाचन आयोग रा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम का निशु भेजा गया है। कर्मचारी आपरो वोट डालर इन ने स्पीड पोस्टों रिटर्निंग एहलकार ने भेज सकेला। आओ अब देखा डीडी न्यूज राजस्थान रिया खास पेशकश। राजस्थान में बिछी चुनावी बिसात, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात,
किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान? महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट? वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस जीरो कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया उसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझ कर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर जी मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में। जयपुर विद्याधरनगर स्टेडियम में दीपावली री पहली री संध्या माते राख्या का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत कर दौरान वना दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं सागे दीपावली मनाई। कार्यक्रम में 156,000 दिया जलाबारो दावो करो गयो। इन मौका माते जयपुर रा कांग्रेस पार्टी रा उम्मीदवार भी मौजूद था। भाजपा रा पहली रा प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आपरा रहवास माते सीएम रा 156 सीटा हासिल करवारा दावान पाते तंज कशो। डॉक्टर पूनिया मुख्यमंत्री सु सवाल करता थका कहो कि गृहमंत्री होबारे नाते पहला तो वणा ने ओ जवाब देनो चाहिए कि वणा कित्ता घरा माए दिया बुझाया है, महिला हमारे साथ है दुष्कर्म रोबी जवाब देवे। सत्याएं होती थी उसका जवाब दे कौन है, जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता था उसका जवाब दे कौन है। और ये जो दीप थे सियासी थे उनका वो रिवाज को बदलने की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में तो राज ही बदलता है, रिवाज नहीं बदलता है। दूसरी बात, उनका इस तरीका का इतिहास कभी नहीं रहा है कि जब वो सत्ता से बाहर गए हैं वो 156 की बात कर रहे हैं। वो तो खुद 56 पे आए थे जब राज में थे, उसके बाद 21 पे आए थे, तब 21 के नीचे क्या हो सकता है ये सोचने की बात है। तो उनको इतने दिए जलाने चाहिए थे जिनकी जिन आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत रो मुकाबलो आज बेंगलुरु में नीदरलैंड से वेलो। भारत श्रृंखला में बार ताई सगला मैच जीतर पहला पायदान माते है। दोपहर 2 बजे होने वाला इन आखिरी लीग मैच रे पछे भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेलो। इन से पहला कोलकाता में इंग्लैंड पाकिस्तान ने 93 रन से हरा दिनो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा आथुणा विक्षोभ रा असर से मौसम में बदलाव आयो है। इरा चालता राज्य रा आथुणी हल्का में कई ठोरा माते हल्की बूंदाबूंदी होबारे साथ ही सुहारे सु कोहरो छायो रियो। बड़े तापमान में घटोतरी होबा सु सर्दी रो असर भी बढ़ गयो है। जयपुरा ग्रामीण खेत्र में सुहारे सु ही घणो कोहरो छायोड़ो है। कोहरा रे चालता वाहन चालका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रियो है। अब आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश रा लेपचा में सेना रा जवान रे सागे मनाया दीपावली रो त्यौहार। देश री जनता ने दीनी शुभकामनावां। धूमधाम और हर्षोल्लास रे सागे मनाया जा रही है दीपावली रो त्यौहार। सिंजा वैली महालक्ष्मी री पूजन। सरकारी कर्मचारियों खातर निर्वाचन महकमो जारी करो इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट। 142,221 सरकारी कर्मचारी करेला अपरा मताधिकार रो प्रयोग। दीपावली री पहली री संध्या माते जयपुर में राख्या गया एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करी शिरकत। 156,000 दिया सु मनायो दीपावली रो त्यौहार। कांग्रेस उम्मीदवार भी रिया मौजूद। और प्रदेश में आथुणा विक्षोभ रो असर। मौसम में आया बदलाव सु कई ठोरा माते भी बूंदाबांदी। तापमान में आई कटोतरी। इंडा साथ ही दोपहर 1 बजे री राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई है। सिंजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।